फ्रूट के अंदर जो आप जब फ्रूट खाते हैं, आड़ू खाते हैं, पीच खाते हैं, तो जब अंदर जो उसकी जो उसका सीड का जो सीड भी अगर आप तोड़ लें ना, आप पीच खाएं, पीच के अंदर सीड होता है, या एप्रिकॉट खाएं, उसको तोड़ें, उसके अंदर सीड होता है, उसको भी जब आप तोड़ते हैं तो अंदर से उसकी एसेंस निकलती है, बीज निकलता है, सीड निकलता है, जिसे आप कैंडल भी कहते हैं. कैंडल का मतलब होता है किसी चीज़ की लिटरली उसकी वो जो सीड है, जो उसका एसेंस है, जो उसका निचोड़ है, तो उसको कैंडल कहते हैं. इंग्लिश में वर्ड इज़ कैंडल. आज का हमारा वर्ड कैंडल है. इसको हम एक तो वो लिटरल है कि जी फ्रूट का जैसे कैंडल है, उस आपने खाया उसके अंदर उसका कैंडल निकला. इसको आप इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आप सपोज़ करें कि कोर्ट के अंदर वकील साहब, जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना, वकील साहब बड़ा अपना केस पेश कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाबे वाला यू नो ऑनरेबल जस्टिस फलां फलां फलां, वो जज को बुला रहे हैं और जज साहब उनकी आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं पा रहे और जज साहब जो है वो फैसला गलत कर देते हैं, तो वकील बाहर निकल के कहते हैं कि यार द जज फेल टू अंडरस्टैंड द कैंडल ऑफ द आर्ग्यूमेंट. मतलब उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट की, मेरे केस के जो एसेंस ही वही नहीं समझी. तो वर्ड है कैंडल. कैंडल इज़ अ नाउन.